प्रदेश में जैसे ही पेपर लीक हुआ, सरकार और बलिया प्रशासन बैकफुट पर आ गया और उसने फिर धनाधन कार्रवाई शुरू की। जो लोग पेपर लीक मामले में शामिल थे उनको तो गिरफ्तार किया गया है, साथ साथ बलिया के उन पत्रकारों को भी बलिया प्रशासन ने गिरफ्तार किया जिन्होंने इस पर्चा लीक भ्रष्टाचार को उजागर किया था। और काफी दिनों तक ये लोग जेल में थे, आज आजमगढ़ मंडल कारागार से ये रिहा हुए हैं। मेरे साथ मौजूद है दिग्विजय सिंह साहब, मैं इनसे बात करूंगा कि आखिर मामला क्या था। बलिया में नकल का खेल चल रहा था और प्रशासन चला रहा था, उसको हम लोगों ने अपने अमर उजाला अखबार के माध्यम से उजागर किया और सच जब उजागर हुआ तो प्रशासन बौखला गया और हम साथियों को जो है कि नहीं मुकदमा कायम करके जेल भेज दिया। जेल भेज जी। तो प्रशासन ने इससे कोई बात आप लोगों ने नहीं की, कुछ सुना नहीं प्रशासन आप लोगों की बात? नहीं, कोई कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। प्रशासन पूरी तरह से एक हम लोगों की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। हम लोग कहते रह गए कि जो है कि हम लोग नहीं किए, सारी सफाई हम लोग देते रह गए, लेकिन प्रशासन ने हम लोगों की बात मानी ही नहीं। नहीं, अब जैसे एक तरीके से ये तो बड़ा एक सवाल खड़ा होता है कि अगर पत्रकार भ्रष्टाचार को उजागर करे और इस तरीके से प्रशासन उनको जेल में भेजे तो फिर तो ये तो बड़ी अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो रही है। तानाशाही कह लीजिए, तानाशाही। हाँ, भ्रष्टाचार की तानाशाही, भ्रष्टाचार की तानाशाही, भ्रष्टाचार की तानाशाही जी। तो बलिया में इस तरीके का क्या, ये जो अधिकारी दोनों डीएम और एसपी दोनों जो है कि तानाशाह प्रवृत्ति के हैं और नकल के खेल में बलिया डीएम पूरी तरह से शामिल है। दागी केंद्रों को, परीक्षा केंद्रों को सेंटर बना करके और जब वो नकल का खेल शुरू किया और हम लोगों ने उजागर करने तो बौखला गया और जब ऊपर से पूछा गया तो जो है कि ना जल्दी जल्दी में जो है कि ना हम लोगों को जेल भेज करके हम ही लोगों को जो है कि नकल माफिया घोषित करने का प्रयास किया डीएम ने। ये तो गंभीर प्रवृत्ति है। तो अब तो आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि बलिया का डीएम, हाँ डीएम, बलिया का अध्यक्ष है, अध्यक्ष है, समिति का अध्यक्ष है, मतलब पेपर लीक जैसे, और जो गंभीर आरोप बलिया के डीएम पर जी, वो नकल के खेल में पूरी तरह शामिल है और यहाँ जीआईएस बंद है, वो ही बता रहा है कि जो डीएम क्या कर रहा था। डीएम जी, आप देख रहे हैं ये मेरे साथ थे दिग्विजय सिंह, इन्होंने साफ तरीके से कहा कि जहां तक नकल का खेल है ये बलिया में चलता है और उसमें जिला प्रशासन के लोग भी शामिल है, लेकिन इसका खामियाजा उन पत्रकारों को भुगतना पड़ा जिन्होंने इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश किया। कैमरामैन अमन गुप्ता के साथ खुर्रम आलम नुमानी, एबीपी गंगा, आजमगढ़। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।